करेंगे न्यू ट्रेन में जींद एक्सप्रेस में। तो ये चलती है फिरोजपुर कैंट से, सीधा रुकती है बठिंडा फरीदकोट, फिर वाया जाती है कोट गंगसर जैतो गन्याणा बठिंडा, वहाँ तक जाएंगे बठिंडा तक यहाँ इससे। और ये सामने खड़ा है हमारा लोड। ये हमको ऐसे है कि हमारी ट्रेन तीसरे ट्रैक पे ना जाए, पहले पे आ जाए, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और ये मालगाड़ी एक्टिव है, कभी भी चल सकती है ये, कुछ इसका पता नहीं होता। इंजन इसके अटैच है, कुछ पता नहीं है कब चल पड़े किसी नहीं, इसके नीचे निकलना बहुत ख़तरनाक है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमारी प्लेटफॉर्म एक पे आ जाए, तीसरे पे आई तो मुश्किल कर देगी गाड़ी। सो देखते हैं क्या बनता है आगे, मिलते हैं आपको अराइवल पे। तो क्या हो चुका है यहाँ पे स्कैम हो चुका है। यहाँ पे मेरे साथ स्कैम हो चुका है कि मालगाड़ी प्लेटफॉर्म में घुसा दी है इन्होंने, तो मुझे जाना पड़ेगा घूम के उसकी तरफ। लिया है रावल फरीदकोट में, सो मिलते हैं डिपार्चर पे सीधा। हमारी 2 साल के बाद चलने वाली ट्रेन दे रही है डिपार्चर फरीदकोट से, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। आपको दूसरी साइड दिखाते हैं प्लेटफॉर्म। हमारे साथ ऐसा हुआ था कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी घुस गई थी, ये वाली मालगाड़ी गलती से जींद एक्सप्रेस निकल चुकी है।
मिलते हैं डिपार्चर पे कोटकपुरा जंक्शन के, आपको ट्रैवल दिखा चुका हूँ।
गाड़ी पहुंच चुकी है गंगसर जत्थू। अराइवल हमारी गाड़ी तो हमारी गाड़ी ने दे दिया डिपार्चर सर जैतो से। पास कर चुकी है गंगसर जा तो वो आएगा सीधा CBX चंदमोन। Thank you.
ये यहाँ पे फेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको। ये रहा हमारा वैप 7 गाजियाबाद सेट का, जो दौड़ाता है पंजाब मेल को यहाँ से लगता है इसको। दोनों टीम खड़े हैं यहाँ P7।